पीपुल्स पार्टी ने गैर कानूनी हरबों और बेजाब्तियों के तहत हैदराबाद शहरी इलाकों को देही इलाकों में शामिल कर दिया है। सिंध हुकूमत गैर कानूनी तरीकों और गैर फितरी तकाजों को रोनते हुए बदनीयती के साथ हैदराबाद में अपना मेयर लाना चाहती है। हम इस इकदाम को शहरियों के साथ ज्यादती और जुल्म के मुतरादिफ समझते हैं। अक्सर की बुनियाद पर हुक्मरानी करने वाले जाली मर्दमशुमारी की पैदावार हैं। इन ख्यालात का इजहार MQM रुकन राबता कमेटी व साबका डिप्टी मेयर सैयद सोहेल मशदी ने MQM पाकिस्तान GDA और तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद प्रेस क्लब पर सिंध सरकार मुतनाज़ा बल्दियाती बिल 2021 निफाज के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरे की शिरकत से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर MQM पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर राशिद खान, उमर अलवरी, वराकिन डिस्ट्रिक्ट कमेटी, हकप्रत सूबा असम्बली राशिद खिलजी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जिले हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी रफीक मक्सी, सूबा नायब सदर खजर हयात मंगरेओ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर मुस्तंदर, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद यासिर कुरैशी शरीक थे। उन्होंने मजीद कहा कि महाजरों की आबादियों को कम करके अपनी हुक्मरानी कायम करने वाले बहुत जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे, सिंध को जरदारी स्टेट नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी एक खास मंसूबा पर सिंध को पाकिस्तान से जुदा करने की साजिश कर रही है। सिंध के हर शहर में आज अवाम सरापा एहतजाज है। बल्दियाती एक्ट मंजर आम पर अभी आया है, मगर अजीब व गरीब कवानीन हमेशा बनते आए हैं। ऐवान में वजीर आला साहब कहते हैं कि हम अक्सरियत में हैं और आप अकलियत में हैं। उन्होंने कहा कि कराची और हैदराबाद की आबादी को कम गिनकर फिर ये अक्सरियत हासिल की गई है। इस कानून के जरिए सिंध को जरदारी देश बनाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुस्तंदर ने कहा कि सिंध में इस काले कानून को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सिंध में शुरुआत से ही काले कानून बनाए गए हैं। कराची और हैदराबाद की आबादी को आधा गिना गया है। उन्होंने कहा कि सिंध में बसने वाले उर्दू और सिंधियों पर जुल्म किया जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जिले हैदराबाद के सूबाई नायब सदर खजर हयात मंगरेओ ने मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि वफाक की हुकूमत और वफाक के इदारे इस जुल्म का नोटिस लें। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान चलकियारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।